हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरेश सर ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। आशा करूँ समस्त बहुत भल से थे। आगामी एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन बहुत भल से चल थ तेणु आम गत क्लास निहत्ती भाव प्रति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओटीईटी एग्जामिनेशन जहाँ आगे ये नवंबर लास्ट वीक हो सहित प्रति बेसिक कनसेप्ट क्लास अलरेडी आम अपलोड कर सारी जो मैंने भी देखी ना देखिए तेणु आज क्लास निहती भाव आम मोस्ट इम्पोर्टाट 200 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड निहती भाव सियोर सर्ट यूर ही क्वेश्चन एग्जाम आसव आपन जदि एग्जाम देवाक जाऊँगी ओटीईटी हो सीटीईटी हो ओएसएसटी हो जूनियर टीचर हो कंट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर हो बा 2023 मसीहार बीएड एग्जाम हो आपण जदि देवाक जाऊँगी क्लास को संपूर्ण रूपे देखु पेडागोजी रे बोथ पेपर वन हो बा पेपर टू हो बोथ पाई निहाती भाव बहुत यूजफुल रहिबो वो आपण मानक पाई निहाती भाव सियोर शॉट क्वालिफाई होगा जदि चाहूँगी निहाती भाव चैनल को नथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करिवे एवं जदि टेलीग्राम ग्रुप लिंक रे जॉइन हे नाहंती पर्सनली लिंक अवेलेबल अच्छे जॉइन हो पारे यदि भी किसी प्रॉब्लम रुहे पर्सनाली 8144033374 नंबर रे व्हाट्सअप किंबा टेलीग्राम रे मेसेज करके टेलीग्राम ग्रुप लिंक रे व्हाट्सअप ग्रुप लिंक रे जॉइन हो पारे। देखिबा क्वेश्चन नंबर वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट रो किंटा गोटे एस्पेक्ट नुहे बोली पचारूछि जदि आम चाइल्ड डेवलपमेंट कथा कहिबा फिजिकल डेवलपमेंट को भी आम पसंद करुचे सोशल तो पसंद करुचे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पसंद करुचे चाइल्ड डेवलपमेंट रे मैच्योरिटी तो केवल एस्पेक्ट नुह आमर तेनालीर कौटा अलग ऑप्शन डी हूँ आमर अलग चारिटा का ऑप्शन देखिबो केउटा खाली नेगेटिव रोचे खाली बाहर करिबो आराम से सियोर शॉट क्वालिफाई हेबो। क्वेश्चन नंबर टू डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन डैस डेवलपमेंट आम जो डिस्क्राइब करवा ग्रोथ आकार रे कहार ग्रोथ को बोली बुझेब कॉग्निटिव ग्रोथ को भी तो बुझेब फिजिकल ग्रोथ को भी बुझेब सोशल ग्रोथ को भी बुझेब तो निहाती भाव चारिटा का ऑप्शन जो ठीक अच्छी कौन करवा आम ऑल ऑफ द एबव करवा देखिए 90% क्वेश्चन ने ऑल ऑफ द एबव ही हम राइट आंसर टिके खाली क्वेश्चन नजर करदे आराम से दुईटा ऑप्शन ठीक होची ऑल ऑफ द एबव निहाती भाव मारे बिना टेंशन ही मारे। क्वेश्चन नंबर थ्री कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट रा मीनिंग को लेकिन आंक भितर के करेक्ट नुहे बोली पचारूची इट इज ए सीरीज ऑफ चेंज मैच्योरिटी तो चेंज रोच डेवलपमेंट कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस जेहेतु निहत चेंज एक्सपीरियंस निहत चेंज करुची इट इज ए मेरी प्रोग्रेस इटा गोटे मेरी प्रोग्रेस भी हम कि गोटे स्वतंत्र प्रोग्रेस भी हम कि हमने तो विभिन्न प्रकार प्रोग्रेसिव चेंज करुचे ना तेनाली मेरी प्रोग्रेसिव के हेनी ऑप्शन तीन टा हूँ आमर अलग डेवलपमेंटा क्योंठी स्टार्ट हुए क्योंठी एंड हुए आम जाने डेवलपमेंटा मातृ गर्भर स्टार्ट हुए गोटे शुक्राणु पड़ा समय दिन ठार् मृत्यु पर्यंत चली थाए तो आम कौन करम स्मर्मु ओभम स्मर्मु ब्लास्टोकास्ट पर्यंत को जाए स्टार्टिंग हुए ओभम स्पर्म्रु एंड हुए ब्लास्टोकास्ट एंड होता है जन्मरु मातृगर्भरे स्पर्म पड़िया दिन ठार् मृत्यु पर्यंत डेवलपमेंटा चली थाए मैंने ऑप्शन टू हूँ आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फिलिंग श्याम एंड प्राइड आम पढ़ी थे डेल जो शंकु आम पढ़ी थे से शंकुरे आम कौन थी आम जो पढ़ी थे सेम गोटे प्राइड गोटे यहाँ कौ समय गोटे पिलार घटू आम देखा सेम आउ प्राइड कथा मैं लज्जा अनुभव करुव कौ समय गोटे पिलाटा पांच वर्ष होच वर्ष समय बेसिक क्लास पढ़ला समय कही थी जन्म समय केन मस रे छस वर्षक अठर मस रे कौन हम दी वर्ष कौन हम पांच वर्ष समय है बेलू पाटा कौन कर सेम एंड प्राइड मैं लज्जा अनुभव कर पांच वर्ष को पीरियड आम हूँ चाइल्डहुड पीरियड कोई पीरियड चाइल्डहुड पीरियड मैंने दुई रु सात वर्ष कौन चाइल्डहुड इनफान्सी हूँ जीरो रु टू आडल्टसेन्स हूँ सात रु एगार आडल्टहुड हूँ एगार रु अपवर्ड तेणु जेहेतु पांच वर्ष घटू तो आम कौन बोली कह चाइल्डहुड पीरियड बोली कह बुझीप आराम से
ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ପିଲା ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛ ସେୟାର୍ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବେ କର। ଦ ମେଜର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେ କହୁଛି ଜେଇ ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ତା ସହିତ ଇ ହଲଙ୍କ ଥିଓରି ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଥିଓରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲେ ଜେଇ ଆଣ୍ଡରସନ୍, ସେ ବିହେଭିଅରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ମାନେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଇ ହର୍ଲକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ରିଲେଟିଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିଆଲି କରେକ୍ଟ, କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ କରେକ୍ଟ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ କରେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରେକ୍ଟ ଥିବ। ଇଚ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଭେରିଏବୁଲ, ପ୍ରତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପନ୍ଥା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଥାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିହେଭିଅରକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଟ୍ ଅ ସର୍ଟନ୍, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଉଛି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇ ସମୟରେ ହେବ, ଏଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେବ କି? ହେବନି। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁଟା ଅଲଗା, ଆମର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ଟା ନିହାତି ପାର୍ଟିଆଲ କରେକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଅପ୍ ଟୁ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ ହେଉଛି କି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି, ଜୀବନ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଏଥିରୁ, ଅପସନ୍ ତିନିଟା ଠିକ୍, ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୀ ମାରିବ, ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଦେଖିବା। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେନ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗେଟ୍ୱେ ନଲେଜ୍। ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍, ମାନେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନଲେଜ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ କଥା କହିବା କି, ଏଇଟା ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ କଥା କହିଲା ନା, ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଫଲ୍ସ ଅଛି। ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଥ୍, ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ କଥା କହୁଛି ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ କଥା କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁଟା କଥା କହୁଛି, ମୋଟର କଥା କହୁଛି, ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିହେଭିଅର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ବିହେଭିଅରରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିବା। ଆମର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ତିନିଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ମାରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଠିକ୍ ସେ, ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନର୍ଭ କଥା ବୁଝେଇବ, ଏଇଟା ତ ଶାରୀରିକ କଥା ବୁଝେଇବ, ଏଇଟା ତ ନୁହଁ କେବେ ହେଲେ। ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲଭ୍ କଥାକୁ ବୁଝେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆଡଲ୍ଟ ରୁଟ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ପିଲା କାହାକୁ ବୁଝିବ, ଲଭ୍ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ କ'ଣ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଇନଫାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ନା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ, ଗୋଟେ ପିଲା ଇନଫାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ନେଇକି ସବୁକିଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ବି ଏଠି କ'ଣ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ, ନନ୍ଦି ଏଭବ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପିରିୟଡ଼ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କେବେ ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ହେବନି, ଆମେ ତ ବିହେଭିଅରକୁ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଫୋର୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୃସିଆଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଥା ଯେଉଁ କହିଛି ସେଇଟା ଆମର କେବେ ହେଲେ ହେବନି, ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଥା ରୁହେନି। ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ 6ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନଫାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ 0ରୁ 2, ତାପରେ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ଆଡୋଲସେନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼, 0ରୁ 2, ତାପରେ 2ରୁ 6, 6ରୁ 11, 11ରୁ ଅପୱାର୍ଡ଼, ଇଏ ହେଲା ଇନଫାନ୍ସି, ଇଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ଆଡୋଲସେନ୍ସ, ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼,
आम एडोलसेन्स पीरियड टाक आम कौन कहीपर लैटर चाइल्डहुड पीरियड बोली कहीपर मैंने ऑप्शन तीन हम आम राइट आंसर बुझिपार देन क्वेश्चन पचारि स्टेटमेंट दुटा देखा पूरा ठीक भूल अच्छी पचार देखा फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटी आर इन्फ्लुएंस द इमोशनल डेवलपमेंट गोटे पिलार जब फिजिकल हेल्थ ठीक थी मेंटल एबिलिटी ठीक थी तक इमोशनल मानविक सॉरी आवेगिक चिंताधारा निहत प्रभावित कर प्रभावित कर गोटे पिला जब फिजिकली स्ट्रेंथ नार कौन मेंटल डेवलपमेंट हम कि हो पार ना ठीक अच्छे फुलफिलिंग सोशियाल एक्सपेक्टेशन कम्स अंडर सोशियाल डेवलपमेंट सोशियाल एक्सपेक्टेशन गुड़ाक सोशियाल डेवलपमेंट थाए ये भी ठीक अच्छे कौन बोथ वन एंड टू हूँ राइट आंसर ऑप्शन फोर हूँ आम राइट आंसर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेन बिकेम एक्टिव मेंबर देयर पीयर ग्रुप पीयर ग्रुप सहित कौ समय पिलाटा एक्टिवली मिसी थाए बोली पचारूँ कौ समय मिसे पिलाटा एडोलसेन्स केवल मिसी पारे चाइल्डहुड तो नुह ये चाइल्डहुड भी नुह केवल एडल्ट पीरियड में मैंने एगार वर्ष रु अधिक पीरियड हो गले पिलाटा कौन हम एक्टिवली मिसी थाए एडोलसेन्स ना एडल्टहुड ना एडोलसेन्स ठीक अच्छे एडोलसेन्स रत वर्ष रूपर है सात वर्ष ऊपर मैंने एडोलसेन्स पीरियड में पिलाटा अधिक मिसी ऑप्शन वन हम आम राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज फिक्चर ऑफ लर्निंग लर्निंग फिक्चर के नुहे पचारूँ देखा लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ द मेडिटेटिव बिहेवियर बिहेवियर चेंज ठीक अच्छे अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग आम जो बाहर शिक्षा शिखुचे से गोटे शिक्षार पार्ट ये भी ठीक अच्छे लर्निंग इज समथिंग दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ए सर्टन एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस को लेकिन हम लर्न करुचे विभिन्न जिनस गुड़ाक आम शिखुचे ये भी ठीक अच्छे स्टडी ऑफ बिहेवियर बिहेवियर को शिखा गोटे लर्निंग बोले आम कहीपर केवल कहीपरानी यहाँ गोटे फिक्चर तार नुहे आम कौटा अलग ऑप्शन टू टा आम अलग केवल कौ ऑप्शन अलग खाली बुझे आराम से कर पचारूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट को लेकिन क्योंटा करेक्ट नुहे पचारूँ मैंने गोटे अलग थी तीन टा पॉजिटिव थी गोटे नेगेटिव थी इच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हाज हजार्ड हजार्ड मान डेवलपमेंट जो हूँ कष्ट स्टेज रोचे ना निहते भी ठीक अच्छे कल्चरल चेंजेस तो डेवलपमेंट निहते भी घटव क्यारेक्टरिस्टिक तो डेवलपमेंट निहते भी घटव नॉट एडेड स्टिमुलेशन न थाए कि डेवलपमेंट स्टिमुलेशन निहते भी थाए से कहते हैं डेवलपमेंट स्टिमुलेशन न थाए मैंने कौन कह नेगेटिव कथा कही केवल नौटा कह बाहर पड़ था आराम से टूटा ही अलग हाँ क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टैक्स इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड पीरियड में क्योंटा अप्रोप्रिएट नुहे पचारूँ मैं नेगेटिव थी लेट चाइल्डहुड पीरियड मैंने कौटा आमर एडोलसेंस पीरियडटा मैंने सात वर्ष रु एगार वर्ष पीरियडटा देखा तरह कौन कौन हो फिजिकल निहते पिलाटा खेल गेम कथा तो रहीत इंडिपेडेन्स चाहिए सांग सहित मिसब ता तो एजमेट ता पियर ग्रुप सहित मिसिबो से ही जगह गोटे मास्कुलाइन फिमेलाइन से देखेगी मो पु मो झियो ए कामटा करिवे ए कामटा करिवेनी देखेगी सात रु एगार वर्ष माने पिलालिया बुद्धि थाए नठरे सेमिति से किछि देखि न थाए माने ऑप्शन 2 टा होछ हमर अलग ऑप्शन 2 होछ हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट को नेकी कोटा गोटे ट्रू नुहे बोली पचारु छी डेवलपमेंट प्रोसीड स्पेसिफिक रु जनरल ठीक अच्छे इंडिविजुअल प्रोसेस प्रति डेवलपमेंट भितर इंडिविजुअल डिफरेंस थाए मैंने किसी पार्थक्य रही है गोटे ऑर्डरली सिक्वेंस मैंने इनफेंसी पर चाइल्डहुड तापर एडोलसेंस एडल्टहुड गोटे ऑर्डर में घटू ना ठीक अच्छे डेवलपमेंट गोटे कौन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आम कहीपर कि डेवलपमेंट गोटे प्रोसेस ओरिएंटेशन कहवा सी कही कौन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मैंने कौटा अलग ऑप्शन वन टा अलग डेवलपमेंट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नुह सेटा होछ हमर प्रोसेस ओरिएंटेशन बोली कहि परिबा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट रा मीनिंग कहले हमें कोन बोली बुझिबा प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज केवल कोन चेंज होची नाही तो मोटिवेशन खाली चेंज होसी सेमि तो किछु होनी मैच्युरेशन एंड एक्सपीरियंस रहूची नाही तो एटा कोन होची प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्युरेशन एंड एक्सपीरियंस हमर मोटिवेशन रहूची एवं एक्सपीरियंस रहूची
ଆମର କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପୁଣି ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଢାଞ୍ଚା ହିଁ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ କ'ଣ, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ନୁହଁ। କମ୍ପାରିସନ୍ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିନି, ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ୍ ମେଥଡ୍, ଆମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମାନେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଦାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ରେଡ଼ିନେସ୍ ନିହାତି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ତ ରହିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ତ ହିଁ ମାନେ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ନା, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ରହିବ। ମାନେ ତିନିଟାକ ଅପସନ୍ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ, ଅଲ୍ଦି ହେବ ଅଛନ୍ତି ତ ମାରିଦେବ ଆଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦେଖିବା, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜନକ କିଏ ପଚାରିପାରେ, ଆମର କିଏ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର, ଆଉ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର, କୋହଲବର୍ଙ୍କର, ଆଉ ଭାଇଗୋଟିସ୍କିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ପାଖାପାଖି 200-250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଏଠି ରହିବ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୁଡ଼ା କହିଲେ କାହାକୁ କହିବା, କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୁଡ଼ା କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୁଡ଼ା କାହାକୁ କହିବା, ନିହାତି ଏବେ ଦୁଇଟାକ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଆରାମସେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝାଇବ। ସେ ପଚାରୁଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖାଲିକି ବୁଝାଇବନି, ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ବି ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ନୁହଁ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ପିଲାର ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଶିଖିଯିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟାର ଡିଜାୟର୍ ନାହିଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସ୍କୁଲ୍ କରୁଛି, 5T ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପିଲାଟା ଶିଖିଯିବ, କେବେ ହେଲେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଡିଜାୟର୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟା ଶିଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ୍ୱାଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ପଢ଼ିକି କରିପାରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ବି କରିପାରିବା, ଖାଲି କ'ଣ ଗାଇଡ଼ ବୁକ୍ ଦେଖିକି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼ିପାରିବା, ପଢ଼ିପାରିବାରୁ ନା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତୁମ କାମ ହେଲା ଖାଲି କେଉଁଟା ଚେଞ୍ଜ ଖାଲି ଦେଖିଦେବ, ଚେଞ୍ଜଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ କେଉଁଟା ଖାଲି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଡୋମେନ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଚାରିଟା ଏକ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ମନେ ରଖିବାଟା ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମୋସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପିରିୟଡ୍ ନୁହଁ କହିଥିଲେ, ଏବେ କେଉଁଠୁ, ମାଆର ଓମ୍ରୁ ମାନେ ସ୍ପର୍ମ ପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରି ନାଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ମାନେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆଡୋଲସେନ୍ସରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ କେତେ, 7-11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ଫିଅର୍ ରହିବ କି, ଭୟ ରହିବ କି, ରହିବନି ତ। ପିଲାଟା ନିଜ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ନିଜ କଥା କେତେବେଳେ ବୁଝିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ ପିରିୟଡ୍ ଆସିବ, ମାନେ 11 ବର୍ଷ ମାନେ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଆସିବ, 11 ବର୍ଷରୁ ଅପୱାର୍ଡ କଥା ଆସିବ। ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ କେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିବ, ତାର କିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ମାନେ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ତାର ଅଲଗା, ମାନେ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍କରେଣ୍ଟ ୱେ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇନକରେଣ୍ଟ ୱେଟା କେଉଁଟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଶିଖାଇ ପାରିବା, ସପୋର୍ଟ ତ ନିହାତି ଆମେ କରିବା, ଅପରଚୁନିଟି ବି ଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭିଂ କରିବା କି, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭିଂ କରିବା, ଆପ୍ରୁଭିଂ କରିବା, ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭିଂ କହିଛି, ମାନେ ଅଲଗା ହବ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନରେଶ ଆଣ୍ଡ ମୁକେଶ ହାଭ୍ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ସମାନ। ଦେ ସୋ କ୍ୱିଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କାହା ଭିତରେ, ସୋସିଆଲ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଇଟା କୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ଏଇଟା ତ ମୋଟିଭେବିଲିଟି ହେବନି, ଡେଫିନେଟ୍ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଇଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ, ଇଏ ସୋସିଆଲକୁ ଇଏ ମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ କ'ଣ ରହିଲା, କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ବୋଲି କହିବା, ମାନେ ଅପସନ୍ ତିନି ହେବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର କେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥାଏ। ଦେନ୍ ପଚାରୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ୱାନ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନକରେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ରହୁଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ, ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ ନା, ଏଇ କାମଟା ଆମର ଘଟିବ ବୋଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଏନ୍ସିଡ଼େନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା କି, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାମ ହୁଏ ବୋଲି କହିପାରିବା କି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିରେକ୍ସନାଲ, ସେ କହିଛି କଏନ୍ସିଡ଼େନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହେଉଛି, ଆମର କେଉଁଟା ଅଲଗା, ଅପସନ୍ ଟୁଟା ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଆମର ତ ଅଛି ମାନେ ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଯଦି ମାରିବ ଅଲଦି ହବ, ଅଛି ମାନେ ମାରିବ, କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 90% 99% ଠିକ୍ ହବ। ଆଉ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦେଉଥିବ, କେଉଁଠି କାଳେ କ'ଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଆଉ। ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଠି ବୋଥ ଥିବ, ବୋଥ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ହବ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ବି ହବ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାରିବ ଅଲଦି ହବ, ଅଛି ମାରିବ, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର କହିପାରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କହିପାରିବା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ବି କହିପାରିବା, ମାନେ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ହବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ତାର କ'ଣ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ରେଡ଼ିନେସ୍ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଡ଼ି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ନିୟମ। ମୋବିଲିଟି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହେରିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ତା କାହାକୁ ବୁଝେଇବ, ମ୍ୟାଚୁରେସନକୁ ବୁଝେଇବ, କାହାକୁ, ମ୍ୟାଚୁରେସନକୁ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାରିବ, ଅଛି, ଏଇଟା ତ ରାମବାଣ ଆଉ, ଅଛି ମାନେ ମାରିବ, କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହିଁ ହବ, ଅଛି ମାରିବ, ଅଲଦି ହେବ, ଅଛି ମାନେ ମାରିବ, କିଛି ପଢ଼ିବନି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ମାରିଦେବ, ଅଛି, ହଉ ମାର, ଅଛି ଯଦି ମାର, ଅଲଦି ହେବ, ଅଛି ମାନେ ମାରିଦେବ, କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବିଲିଟି, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ହର୍ଲକ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ହର୍ଲକ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, କାହା ଉପରେ ନେଇକି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦ ଟିଚର୍ ସୁଡ଼୍ ଆସ୍, ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖିବା, ଟିଚର୍ ସିମ୍ପୁଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମେଥଡ଼କୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ନଲେଜ୍କୁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଚାରିଟାକୁ ଅଛି ଆଉ, ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ମାରିଦେବ ଆଉ, ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇମାଜିନେସନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅର୍ଗାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିହାତି ହେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ବି କରିପାରିବା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ବି କରିପାରିବା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଚାରିଟା କରିପାରିବା, ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପ୍ରକୃତ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର, କ'ଣ ଲେଖିବ, ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର,
मैंने ऑप्शन तीन होचे हमर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। करेक्ट सीक्वेंस हमर कोन घटुची, प्रथम हमर कोन घटिबो इन्फेंसी 0 रु 2 इयर, चाइल्डहुड 2 रु 7 इयर, एडोलेसेंट 7 रु 11 इयर, एडल्टहुड 11 रु अपवर्ड। माने हमर कोटा घटिबो ऑप्शन 2 टा हबा हमर राइट आंसर। बुझि परथुबो क्वेश्चन नंबर 44 कहुची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट द रोल एंड बिहेवियर व्हिच आर एक्सेप्टेबल इन ए ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे रोल एंड बिहेवियर रे मोस्ट कैरेक्टर टा कहार थाय बोली पचारुची। यदि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कथा कहिला एटी आमे को पीरियड टा को बुझेबा आमे हेते हेबे 2 रु 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष भीतर टीचर त आसिबेनी होला ता सहित आमर कोन हेबे सिब्लिंग माने आमे बेसिकली भाई भौनी को सहित कटी थाउ आ पेरेंट आमर परिवार सहित मध्ये माने अभिभावक सहित कटी थाउ आमर कोटा हला ऑप्शन 4 हबा आमर राइट आंसर। बुझि परथिबो लैटर चाइल्डहुड पचारा कौटा पचारा लैटर चाइल्डहुड। लैटर चाइल्डहुड आम जानी लैटर चाइल्डहुड जहाँ आडोलसेन्स पीरियड भी से आम कौन कर 6-11 वर्ष इनफेन्सी कहले 0 टू आउ इनफेन्सी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कहले आम चाइल्डहुड पीरियड आम कौन बोले कही पारा 2 रु 5 वर्ष कही पार। आडोलसेन्स पीरियड जहाँ लैटर चाइल्डहुड से 6-11 वर्ष, आडल्टहुड कहले 11 वर्ष रु अपवर्ड। बुझि पारुथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which one of the following statement best sum up the relationship between development and learning? Development and learning को नहीं कि सबूतारु best statement टा कोटा। Development is independent, independent हो बगी? नहीं तो behind तक का पक्षरे के भीतर रोहन देनी। Synonym दी टा कौन एक्का की क्या नहो? दी टा को interrelated, दी टा के भीतर है interrelated संपर्क था है। अने option 4 हो चाहे हमारा right answer। In middle childhood, speech is more dash rather than dash. Middle childhood period रे, अमा speech टा कौन है थे? आस्ते-आस्ते कौन है थे? Speech टा हमारा नहीं थे अबे socialized ही थे. Rather than egocentric. माने सिर्फ हमें जाओ egocentric माने कौन? अम्मे जहाँ मुँह जहाँ भाबूची, समस्ते सेया भाबू थे बे. इटा पिल्ला टा अनुभव करे. इटा वो egocentric रूहे नहीं. इन्दु कौन है socialized हुए? सामाजिक का ऊपर एक गुरुत्व दिया जाते. बुझी करो तू आराम से. देन क्वेश्चन देखिबा द पीरियड ऑफ द इन्फेंसी इज फ्रॉम डैश। इन्फेंसी पीरियड टा हमर कोटो को जाय हेथे इन्फेंसी टा 0 रु 2 इयर एउडा न हो गिसि कोन करिवो 0 रु 2 इयर माने ऑप्शन 1 होस तार राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रो ओटे प्रिंसिपल कोटा बोली पचारु छी डेवलपमेंट आउट ऑफ डिसकंटीन्यूअस कि नाही त कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा ओटे इंटरकनेक्टेड नुह बोली कहिछि ए तो इंटरकनेक्टेड अटे त एटा भी कोन हबो नुह डेवलपमेंट अटे लाइनर ऑलवेज ओटे प्रोसेस रे ओटे एटा नि हेते हबे लाइनर कि लाइनर त नुह ओटे मल्टी डायरेक्शन भाबे ओटे से कहूछि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस फॉर ऑल। समस्त पई डेवलपमेंट कोन समान इंडिविजुअल डिफरेंस थाए ना त समस्त पई केबेले समान हेबो नाही। Understanding the principle of development of a child help a teacher and dash. वो teacher रो principle को जानी है पहले उड़े child रो teacher रो कौन help करी थाए? अम्म उड़े social status देखी बा, नहीं तो economic background देखी बा, नहीं तो देखी बने चीज़ में देखी ची। अगर हम तक कौन rationalizing करी बने भाई करो ना करी बगी, करी बने तो हमें कौन करी बा? Effective catering to the different learning style. हमें तार development टा correct रे घोटी ची देखी दबा, हमें learning style को हमें कौन करी पर change करी पर देखि परुथिबो ऑलरेडी आमे 28 मिनिट रे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करि सालेनी। यदि निहाते हेबे गोटे लाइक ना लाइक करंतु एवं शेयर करंतु जे कोनसी ग्रुप रे एक्टिव अछने शेयर करी सारा ओडिसा रा समस्त पिला मान निकट रे पहुंचाई दियंतु। क्वेश्चन नंबर 51 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल अकर इन गुड मैनर। गुड मैनर रे घटी थाय बोली पचारुची आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को नहीं कहवा कि कहानी तो आम मार्क को नहीं किभले पढ़ेबानी आम खाली कह पढ़ पढ़ खाली पढ़े लर्न मोर नाट मोर अधिक पढ़े बोली कहवा कि कहानी आम कौन करवा आम चाइल्ड इज कनसीडर इम्पोर्टाट एंड हिज फिलिंगस आर रेस्पेक्टेड। पिलार इच्छाटा को फिलिंगसटा को आम गुरुत्व देवा मोटेट करवा लर्णिंग त
तेणु गोटे टीचर पर मेन कम हो इमोशनल डेवलपमेंट रे फीलिंग्स को बुझा दरकार। ऑप्शन वन हम तार राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी रे हेल्प करे था बोले पचारु छी। हमें लिमिटेड कथा कहिला लिमिटेड तो नेगेटिव हम आम कौन करापर पचारि व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड पिला माने पचारे आम उत्तर दबा नहीं तो आम गोटे प्रोब्लेम को व्हेन द सल्यूशन ऑफ ए प्रोब्लेम टोल्ड द स्टूडेंट पिला खाली स्टूडेंट मैंने कौन खाली प्रोब्लेम गुड़ा कह सल्यूशन गुड़ाक ना आम कौन करवाक अपॉर्चुनिटी दबा विभिन्न सुजोग मान दबा जहाद्वारा से माने निजर टैलेंट को डेवलपमेंट करी पारिबे बुझिला। ऑप्शन फोर हो सर राइट आंसर। अर्ली चाइल्ड हूज इज डैश पीरियड फॉर द लैंग्वेज आम जो लैंग्वेज शिखबार अर्ली चाइल्ड गोटे गोटे को पीरियड गोटे मोस्ट इंपोर्टां पीरियड गोटे सेनसीटिव पीरियड बोले आम कही पार। द पेस ऑफ द डेवलपमेंट भ्यारिज फ्रम वन इंडिविजुअल टू अनदर डेवलपमेंट कौन होता है गोटे जगार आउ गोटे जगार को जाए आम कौन बोली कह बट इट फॉलो डैश पैटर्न बो पैटर्न जाए गोटे सिक्वेन्स जाए प्रथम इनफेन्सी घटवर चाइल्डहुड आडोलसेन्स आडोल्ट पीरियड घटव गोटे सिक्वेन्स जाऊँचना आम कौन बोली कहपर ए सिक्वेन्टीएल एंड अरडली कहपर मैंने ऑप्शन फोर हम आम राइट आंसर बुझीपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट को लेकिन भितर क्योंटा करेक्ट बोली पचारूँ डेवलपमेंट बिगिन्स एंड एंड एट बाथ बाथ रे आराम बाथ रे शेष एटा बुद्धि ना एटा नुह अन डायमेंशनल कि दिग न थाए दिग तो थाए मल्टी डायमेंशनल होते डी सिक्रेट कि सिक्रेट आम कौन हम गोटे सोशियाल कंट्रेक्चुअल कंटेक्ट रही थाए मैं आम कौटा अलग ऑप्शन टू हूँ आम अलग बुझीपुर थ क्वेश्चन नंबर 56 देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डेवलपमेंट करेक्ट डेवलपमेंट को लेकिन कौटा करेक्ट बोली आम पचारूँ डेवलपमेंट चेंजेस फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड हम कि फॉरवर्ड नुह स्ट्रेट लाइन तो नुह केवल ये तो नेगेटिव से कहूँ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रम बाथ टू एडोलेसेंस जाए एडोलेसेंस टू बाथ टू डेथ जाए जाए डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी फास्ट पास फ्रम द टिल एडोलेसेंस देन इट स्टॉप एडोलेसेंस स्टॉप हो जाए स्टॉप तो ना डेवलपमेंट अकर एट ए डिफरेंट रेट एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल डिफरेन्स कौन होता है आम डेवलपमेंटा घटी थाए मैंने आम ऑप्शन वन हूँ आम अलग बुझीपुर थो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को गोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे पचारूँ देखा आम कौन करेवलपमेंट रे कंटिन्यूटी रही थाए क्लासिफिकेशन न था इंटरग्रेसन न था इंडिविजुअलिटी न था कौन थाए कंटिन्यूटी नहीं हे ओहो सॉरी 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 से पचार नॉट रिलेटेड माने आम डेवलपमेंट रे क्लासिफिकेशन करवा कि क्लासिफिकेशन तो केवल करवानी कंटिन्यूटी थाए इंटरग्रेसन एकाठी करवा इंडिविजुआलीटी मैंने डिफरेन्स रही थाए आम क्लासिफिकेशन केवल डेवलपमेंट करवा कि करवानी एट रिलेटेड नुह मैंने ऑप्शन टू हूँ आम राइट आंसर। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट गोटे लोक जब आम फिजिकल डेवलपमेंट कथा कह फिजिकल डेवलपमेंट कौन नर्वस सिस्टम ग्रोथ एंड मसल कथा भी एंड्रोसेंस ग्लैंड भी रहा आम कौन ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर बुझीपुर थो। इन दिस स्टेज द चाइल्ड डेवलप ग्रेट लव एंड एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग लव कथा बुझे एक्सप्लोरिंग करे, वांडरिंग भी करे, कौ स्टेजा बोली पचारि कौ स्टेज पिलाटा करते पिलाटा 7-11 वर्ष हम से भितर विभिन्न जिनस गुड़ा भल पाइबा कौन जानवत आडोलेसेंस कौन जानव निहतर आडोलेसेंस पीरियड में गोटे पिला जापारी था प्रकृत में कौन जिनसा एक्सप्लोर कर सब जिन सेमती ग्रहण कर द सेनसेटन इज ए गेट वे अफ नलेज सेनसेटन इज द गेट वे अफ नलेज द स्टेटमेंट इज डैश यहाँ कौ स्टेटमेंट को बोली पचारूँ सेनसेटेसन मैंने कौन आम जाना सेन्स अर्गान को लेकिन सेन्स अर्गान लांगुएज कथा नुह आटेनसर भी नुह फिजिकाल कथा भी नुह सेन्स मैंने कौन मेन्टाल कथा कोई बुझे कौन कर मेन्टाल डेवलपमेंट कर बुझीपुर थो। देन कहूँ बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट अफ डैश इन द यूज आर्म
आम जो मोटर डेवलपमेंट कथ कह मोटर डेवलपमेंट आम कौन करवा माइंड एंड स्क्रीन तो मोटर डेवलपमेंट काम ना लर्निंग कथ तो ना ट्रेनिंग कथ भी ना मोटर डेवलपमेंट कौन थाए निहत आमर स्ट्रेन्थ थाए और स्पीड थाए फिजिकल कथ जो कहे स्ट्रेन्थ एंड स्पीड डेफिनेशन पचारा चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्युरेशन इटीसी इज कॉल्ड लर्निंग आम कौन कर चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड द मोडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर इज कॉल्ड द लर्निंग से कहते मैच्युरेशन आम बिहेवियर टा चेंज हुए हुए कि हेनी आम क्या नहीं हुए लर्निंग मध्यम हुए ये तार डेफिनेशन नुह नुह कर लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर बिहेवियर रो मोडिफिकेशन टा आम कौन कर लर्निंग कही पार क्वेश्चन नंबर 63 देखा Which of the following is a sensitive period pertaining language development? Language development अगर देखो important question थी तीन थर repeat करानी तो ना हमर कौन करी बा early childhood period बा हमरा सात रु सॉरी दुई रु पांच वर्ष से period ढाव जामर कौन early childhood period ढाव जामर सब उठारो language development रा critical period. Which of the following statement about प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट बोली पचारूँ मैंने गोटे नेगेटिव थी तीन टा पॉजिटिव थी हेरिडिटरी एनवायरनमेंट बोथ अच्छे मैंने मार डिपेंड ऑन मैच्युरेशन लर्निंग डेवलपमेंट मैच्युरेशन पर निहत भी डिपेंड करे किसी स्टेज देखे ही थाए इंडिविजुअल डिफरेन्स भी थाए से कहूँ डेवलपमेंट गोटे क्वांटिटेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट गोटे क्वांटिटेटिव बोथ हम बोथ क्वांटिटेटिव कहीपर क्वालिटेटिव भी कहीपर नेक्स्ट कथा देखा आम आराम से बुझी पार थो तो निहाती भाव अलरेडी आम ये 65 क्वेश्चन अलरेडी आम डिस्कसन कर सारे तो निहाती भाव जदि लाइक करना गोटे गोटे लाइक निहाती कर समस्त को शेयर करूँ एवं यही क्वेश्चन डिटो आपण मान एग्जाम कपी हम ओटीईटी हो सीटीईटी हो एसएसटी हो पे मेसेज कर बार बार सार पेडागोजी पेपर टू करूँ पेपर थ्री करूँ किसी ना भाई यही पेपर वन पेपर टू सबकि सामान जो सीटी पढ़े बोथ पेपर कहीं कम कर से ओटीईटी हो सीटीईटी हो एसएसटी हो एक्सपायरी जो टीचिंग एग्जामिनेशन आप दिखुं प्रतिटी पेडागोजी सामान देखते क्वेश्चन नंबर वन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड वीकेन द आर्गुमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम पढ़ीचे वीकेन मान कौन नेगेटिव पॉइंट क्या बुझे नेगेटिव आम इंडिविजुआलिटी रहा इंटरग्रेशन भी करवा कंटिन्यूटी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुँ क्लासिफिकेशन टा रही रही ना कौटा अलग ऑप्शन वन हूँ आम अलग अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प ए टीचर इन डैश गोटे टीचर को कौथे हेल्प करें बोली पचारूँ गोटे टीचर को स्टेटस देखे हेल्प कर ना तो इकोनोमिक बैकग्राउंड देख ना तो आउ गए रेसनालाइजिंग करनी कौन कर विभिन्न स्टाइल पढ़ापाई हेल्प करें ऑप्शन फोर हूँ आम राइट आंसर मार अच्छी मारे एत दिन पर गोटे पाई छाड़ा कि पाइ मान छाड़ मारिदेव ऑप्शन फोर हूँ आम राइट आंसर डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंटिकल एंड स्लो प्रोसेस ये स्टेटमेंट आम किए देते डेवलपमेंट गोटे स्लो प्रोसेस बोली किए कही आमर बी एफ स्किनर कही किए बी एफ स्किनर कही क्वेश्चन नंबर फाइव देखा क्वेश्चन नंबर फाइव कहूँ Which of the following given condition signify the principle of the individuality? Individuality को signify करी थाए बोले पचारूची. X and Y are two girls studying the same class. One shows interest in algebra, other shows in interest in geometry. अच्छा. P and Q are the same age of the both. Them show same level interest in the game and sports. Same level ला game कथा कहूची. ताल तो ये सिग्निफाई करूनी इंडिविजुअलिटी की ए एंड बी आर सिमिलर इन देयर एज बट दे शो ए वेरिएंस इन द सोशल और मेंटल डेवलपमेंट देखो एटी एटा हला सोशल बीटा हला मेंटल एक्सटा हला अलजेब्रा वाईटा हला ज्योमेट्री माने दीटा जको ठीक होची ऑप्शन ए ठीक होची ऑप्शन 3 भी ठीक होची इंडिविजुअलिटी माने डिफरेंस रहउथिबो जणे गोटे को पसंद करथिबो आउ जणे को पसंद करथिबो माने ऑप्शन 1 एंड 3 हबो राइट आंसर How can the understanding of the principle of the child development help a teacher? ये क्वेश्चन तो रिपीट है जी। छड़ा से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा।
कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो स्टेटमेंट देखो कोड़ा ट्रू बोली पचारि देखिबा से कहूँ इंटेलिजेंस फिजिकल एबिलिटी हेरिडिटी फैक्टर आर इंटरनल। जो फिजिकल एबिलिटी आम इंटरनल कि हेरिडिटा इंटरनल इंटेलिजेंस इंटरनल फिजिकल एबिलिटी कौन इंटरनल कि गोटे एक्सटर्नल ना तो ये तो भूल बाहर अपीयरेंस फिजिक हेयर कलर आर एक्सटर्नल। आम जाने फैक्टर हूँ दि प्रकार जोटा भितर है इंटरनल जोटा बाहर है एक्सटर्नल। तुम अपीयरेंस केमी तुम फिजिकल स्टैंडर्ड केमी हेयर कलर केमी बाहर अच्छी ना तेनाली एक्सटर्नल कौटा ठीक हे ऑप्शन टू आम ठीक हे बुझिपार देख पुणी तो सी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर कथ आसा इकोनोमिक कंडीशन टाइम कौन हम एक्सटर्नल हाँ कथा से कहते इंटरनल मैंने ये मिस्टेक बाहर सोशल तो एक्सटर्नल ठीक अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसटा आम एक्सपीरियंस दक्षताटा एक्सटर्नल ठीक अच्छे हेरिडिटा वंशानुगुणटा इंटरनल ठीक अच्छे पचार गोटा इनकरेक्ट मैंने इनकरेक्ट कौटा थ्रु आम ऑप्शन एटा इनकरेक्ट इकोनोमिकटा गोटे कौन हम आम एक्सटर्नल फैक्टर हम। कनसीडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट कोड़ा ठीक बोली पचार स्टेटमेंट दुटा देख गोटा ठीक बोली पचार देखा एम्फासीस इज ऑन द प्रोसेस एंड ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। आम जो प्रोसेस एनवायरनमेंट रे प्रोसेस रही था ठीक अच्छे स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट आम क्लियर होता है कौन एडोलसेंस पीरियड में ये भी ठीक अच्छे आम कौन करवा बोथ आम जो एडोलसेंस पीरियड आम कॉन्सेप्ट बुझुचे ना प्रकृत जिनसा कौन आम बुझुचे बोथ ठीक अच्छे मैंने ऑप्शन फोर हम राइट आंसर। पुणी से स्टेटमेंट कथा कहला स्टेज को लेकिन देखा कौटा ठीक अच्छे मारिदेव टे पढ़ी दे स्टेटमेंट कथा कह पढ़ की मार टू प्रड्यूस ए कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस गोटे कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करवा ठीक अच्छे। आम कौन करवा जानवा देन प्रोब्लेम को फेस करवा ठीक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन खोजा ये भी ठीक अच्छे तेनाली कौन हम अल दि एबव हम राइट आंसर ऑप्शन तीन हम राइट आंसर बुझिपर ऑप्शन ऑप्शन फोर तीन टाइम ठीक अच्छे। कनसीडर द स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट पुणी से स्टेटमेंट कथा कहला देखा डेवलपमेंट फॉलो ए सिक्वेंस एंड ऑल एरिया डेवलपमेंट आर इंपोर्टेंट। डेवलपमेंटा गोटे सिक्वेंस रे चले कोटा इनकरेक्ट बोली पचारे से ठीक अच्छे गोटे सिक्वेंस रे जाऊँ ना प्रति डेवलपमेंट गोटे इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। डेवलपमेंट इज एन इंटरेक्शन ऑफ द मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस इंटरेक्शन रोचे कि मोटिवेशन कथा भी रोहिबो एवं कंटिन्यूस भी रोहिबो तो एटा नहीं है इनकरेक्ट अच्छे। डेवलपमेंट एंड लर्निंग बोथ हाव एन प्रोसीडिंग रेट इक्वल प्रोसीडिंग माने समान भाव में चली थाए बोली से पचारूँ एटा तो इंटरसेक्शन निहते रोहिबो मैचुरेशन भितर कि समान भाव तो केवल घटूनी मैं डेवलपमेंटा जहाँ लर्निंगटा कौन से कि नुह एटा ही नेगेटिव ये दुटा ठीक अच्छे एटा इंटरसेक्शन रोहिबो मैचुरेशन एक्सपीरियंस को लेकिन डेवलपमेंट घटू ऑप्शन फोर टा हम अलग चार ऑप्शन देखिए गोटे अलग खाली देख आराम से हम। डेवलपमेंट इज ए नेभर एंडिंग प्रोसेस दिस आईडिया इज एसोसिएटेड विथ डैश। डेवलपमेंटा गोटे नेभर एंडिंग मैंने कंटिन्यूस प्रोसेस आईडिया आम कौटा को फलो करें कंटिन्यूटी की मैंने कंटिन्यूस प्रोसेस को फलो कर तो अलग बुझे ना इंटर रिलेसन हूँ इंटरग्रेसन हूँ इंटरसेक्शन हूँ अलग बुझे तेनाली कही रखी प्रथमे प्लानिंग वीडियो देख प्लानिंग वीडियो जो भाया कही केमी सियोर सर्ट क्वाफाई पारे अनुसार पढ़ और प्राक्टिस सेट देख प्लानिंग वीडियो न देखिकी सेमती एपट सेपट पढ़ले किसी क्वाफाई हो पारे तेनाली प्लानिंग वीडियो फास्ट देख ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल किसी प्रिंसिपल को लेकिन हो प्रिंसिपलटा गोटे केमी पचारूँ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल कौटा प्रिंसिपल नुहे पचारे प्रिंसिपलटा गोटे सिक्वेन्स चले हाँ ठीक अच्छे कंटिन्यूटी भी रोहे जेनेल स्पेसीफिक भी हुए कि रिभर्सबुल हम कि पचर बैकवर्ड आसो कि आम तो माड़ी मैं तो माड़ी आगे आगे पचुक बैकवर्ड आसवा कि रिभर्सबिलिटी हेनी ए रिभर्सबिलिटी कहले कहीपर आट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द डैश। जो प्ले वे मेथड रही था लोअर क्लास रे से कहा ऊपर बेस करके रही था बोली पचारूँ प्ले वे मेथडा कौन फिजिकल एजुकेशन को बेस करे कि नाई थोड़ा गोटे मेथड मेथड कहीपर ये भी तो कहीपरानी आम कौन कहीपर गोटे साइकोलोजिकल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ग्रोथ को लेकिन सेटा घटे जब आम ग्रोथटा स्वास्थ्य जब ठीक थी तेज फिजिकाल ठीक अच्छे अटोमेटिकाली ग्रो हम मैंने ऑप्शन तीन हम आम राइट आंसर।
अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प ए टीचर इन डैश ये क्वेश्चन आउ थोड़े रिपीट करेंगे इंपोर्टां क्वेश्चन बारंबार रिपीट कर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट प्राइमरीली पार्ट ऑफ द डैश आम जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या कह गोटे कहार पार्ट अटे आम जाने फिजिकल हो सोशल हो इमोशनल हो सब गुड़ा मिसीगल आम कौन कहीद इंटेलेक्चुअल तेनाली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गोटे पार्ट बोली कहीपर मैंने ऑप्शन वन हम आम राइट आंसर द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्रीकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंश्योरिंग ही हर और हिज हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट क्या कहीटा केमी घटे बोले पचारे स्टेटमेंटा मे बी इनकोरेक्ट इनकोरेक्ट कि इनकोरेक्ट नुह इनकोरेक्ट नुह ये देखा तो आप कौन कह ट्रु हाँ ट्रु ठीक अच्छे किंतु ये कौन फिजिकल अकुपाइज क्या कह कहूनी सब प्रकार डोमेन को इंटररिलेटेड करके डेवलपमेंट करवा मैंने ऑप्शन तीन हूँ आम राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर आम जाने भितर हेले इंटरनल बाहर हेले एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर को गुड़ा बोली पचारिचे देखिबा एक्सटर्नल को गुड़ाक आम जाने इमोशनलटा कौर आसो भितर आटीच्यूडटा भितर मोटिवटा भितर कल्चरल को ट्रेनिंगटा कौट आसो बाहर परिवेश ना तो कौटा अलग ऑप्शन टू टा अलग आम जाने दीटा कथा गोटे है सेफालकोटाल गोटे प्रोक्सिमो डिस्टल गोटे प्रोक्सिमो डिस्टल मान कौन सेन्टर रु फेरी फेरी सेफालकोटाल मान कौन हेड रु टय मारब हेड रु टय सेफालकोटा पचारिचे हेड टू फुट ऑप्शन वन हम राइट आंसर बुझिपड़ हेड टू टय हेले सेफालकोटाल सेन्टर टू फेरी फेरी हेले आम कौन करवा प्रोक्सिमो डिस्टल करवा कौन करवा प्रोक्सिमो डिस्टल करवा बुझिपर एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इनवॉल्व कंसर्न विथ चेंजेस अकरिंग ओवर टाइम आम जो डेवलपमेंटा घटू कौ टाइम घटू मारे कौन कहार अच्छे कि अच्छी मैंने मार अच्छी मैंने मार नो टेंशन ने मार प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट कहला पचारा प्रोक्सिमो डिस्टल मैंने कौन कही थी सेन्टर रू फेरी फेरी मैंने कौन कर हेड रु ट्रय को जाऊ सेन्टर रू फेरी फेरी जाइए गोटे अप्सन टी डिफरेन्ट कर तुम कौन कर सेन्टर टू बडी आउटसाइड मैंने अप्सन टू हम कौन आउटसाइड रू सेन्टर हमें ये तो आउटसाइड रू सेन्टर कही सेन्टर टू आउटसाइड कह टय रू हेड कहला देख गोटे अलग टय रू हेड हम कि हमने सेन्टर टू बडी एंड हेड रू टय मैंने अप्सन टू हम आम रईट आंसर बुझिपार सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मे बी रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सिस्टमेटिकटा कहा सहित रिलेटेड बोली पचार देखा देख जो ओनली वर्ड माने नेगेटिव डिफरेंट रेट हो ठीक अच्छे कि पचार सिस्टमेटिकटा कौन आम हेट्रोनोमी ऑटोनोमी रे ए जिनटा घटी थाए मैं गोटे सिक्वेन्स घटे मैंने ऑप्शन टू टा हम आम राइट आंसर है मन रखिबो हेट्रोनोमी ऑटोनोमी थिले बडा पॉजिटिव रे नबो नेगेटिव रे नबो नी कोटा गोटे प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल बोली कोटा पचारु छी देखिबा इंटरकनेक्टेड नुहे बोली कहि छी केमिदि इंटरकनेक्टेड नुहे इंटरकनेक्टेड अटंती एटा लाइनर की मल्टी लाइनर डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस तन कोन कहिबो इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस और फॉर ऑल समस्त पई गोटे प्रोसेस एटा घटेनी कौन अलग अलग प्रोसेस रे घटी थाए तेना इंडिविजुअल डिफरेन्स देखा जाए ऑप्शन टू हूँ तार राइट आंसर ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट इज एडवांस बट टेक रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द कंसोलिडेटिंग ऑफ इज डेवलपमेंट ठीक हो पर्टिकुलर पीरियड रे डेवलपमेंटा घटे डेवलपमेंट इज एडवांस बट टेक्स रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड किस जगह कौन रेस्ट नहीं थे बोले पचारूँ देखा से कौन बुझाऊ जदि आम कह कंटिन्यूड क्या मैंने कंटिन्यूस क्या कहला सर रेस्ट नौचे रेस्ट मैंने कौन कर आडभांस क्या कही गोटे आडभांस वार्ड अच्छी मैंने आडभांसमेंट क्या कह आडभांस वार्ड रही जो कौन मिल आडभांसमेंट क्या मिल मैंने अप्सन तीन हम आम रईट आंसर बाबर क्वेश्चन देख कड़े बड़े क्वेश्चन देखिए आंसर गोटे लाइन हम केवल देख कौन कह चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल पिलाटा स्कूल को जाइए फर द फास्ट टाइम मैंने प्रभाव कांदूँ प्रबल प्रथम थर जा टेका है कांदूँ आफ्टर टू इयर व्वेन द सेम चाइल्ड गोज टू द प्राइमरी स्कूल दुई वर्ष पर गला प्राइमरी स्कूल को आउ कांद फांद ना पिलार पर रेडी आउ कौन है कांद बंद हो
ମସଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି କ'ଣ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେରି। ଏ ଜାଗାରେ ପଚାରୁଛି ପିଲାଟାର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଘଟିଲା କି? ଏତେ ତ ଗ୍ରେଡ଼ କିଛି ହେଲାନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି କିଛି ରହିଲାନି, କ'ଣ ହେଲା? ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତା ଫିଜିକାଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ ହେଲା, ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏବଂ ତାର ଫିଜିକାଲକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯାଇପାରିଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ଏ ଟିଚର ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେସିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ ସ୍କୋୟାର। କ'ଣ କରୁଛି? ଡ୍ରଇଂରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାଉଛି। ହି ଓ ସି ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଦାଟ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫାଇଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ର ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିମ୍ପ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଭାବେ ରହିବ? ଆମର ଗ୍ରେଡୁଆଲ୍ ତ ନୁହଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ସାଲିଡରି ବି ନୁହଁ, କ'ଣ ରହିବ? ଫଲୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଜାଣିନି କାହାପରେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଡ୍ର କରିବ, ତେଣୁ କରିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ତିନି ହେବ ଅଲଗା। ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚାଇଲ୍ଡ। ଯଦି ଟିଚର କଥା କହିଲେ ଟିଚର ମୁଖ୍ୟ ଆସିବ, ଟିଚର ଏଜୁକେସନରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାନେ ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇବା? ପଢ଼େଇବାନି। ଲ୍ୟାକ୍ ତ କହିଲା ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଡିପେଣ୍ଡ କହିଲା ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଫିଲିଂ ଗ୍ରିଗେନିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଟା ସ୍ୱାଧୀନ ମନା ହେଇକି ପଢ଼ିବ। ଗ୍ରିଗେନିୟସ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ମନା। ଆଉ ଅପସନ୍ ଟୁ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଲେଖିଦିଅ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖ ଗୋଟେ ଖାତାରେ। ସାଇକୋଲୋଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଷ୍ଟ ଇଟ୍ ସଲ୍ଭ, ତା ସଲ୍ଭକୁ ଲସ୍ କରିଥିଲା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଲସ୍ କଲା, ଲଷ୍ଟ ଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଲ୍ସ ହାଜ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲସ୍ କରିକି କିଏ କନସିଡର୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା? ଉଡ଼ସୁଆଥ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଉଡ଼ସୁଆଥ। ଲେଖିଦିଅ ଅପସନ୍ଟା, ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କେଉଁଟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ପନିଶମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନେଗେଟିଭ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସୋଲୋ। ସୋଲୋ ମାନେ କ'ଣ? ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲା। ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଆମେ କରିବା କି? ନେଗେଟିଭ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ରହିବ କାହା ଭିତରେ? ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ। ମାନେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଆମର ଅଲଗା, ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅନ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ବୋଲି କରିବ। ହୋମୋନଗସ୍ ତ କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। ସମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମୋନଗସ୍ କି? ଏଭ୍ରି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ୟୁନିକ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ? ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ତିଆରି। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା? ପିଲା ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ଦେବା। ପିଲାଟା ହିଁ ଆମ ଆଜିର ଶିଶୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା? ଆମେ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଟୁ ନୁହଁ, ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଟୁ କରିବ ଯେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍? ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଜେନେରାଲ ରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ମନେ ରଖିବ କେମିତି ହୁଏ? ଜେନେରାଲ ରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଘଟେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଥିବ। ଅଲ୍ ଏରିଆସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ରହିବ କାହା ଭିତରେ? ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ। ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବି ଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେଟ୍, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରେଟ୍ କେମିତି ସମାନ ହେବ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ସମାନ ହେବନି। ମାନେ ଅପସନ୍ ତିନିଟା ଆମର ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିର ସ୍କୋପ୍ କଥା ପଚାରିଲା। ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିର ସ୍କୋପ୍ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ଆମେ ଇନଫାନ୍ସ କଥା କହିବା? ଓନ୍ଲି ମାନ୍ ତ ନେଗେଟିଭ, ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଷ୍ଟଡି ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ। ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ନିହାତି ଭାବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ମାରିବ ନେଗେଟିଭ, ଡରିବନି କିଛି। ଆମ ଛୁଆ ନା ଡରିବନି କେବେ ହେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଖାତା ଆମର କାଳି ଆମେ ଦେଇଛେ, ପଇସା ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଡରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଠ ପଢ଼େଇଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ବିନା ଟେନସନ୍ ଦେବ, ହେଲା? ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ। ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନ୍। ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ଟିଚର୍ ହଉ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, ଏ ତିନିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନ ମେଥଡ୍। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା।
ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଭଲସେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିହାତି ଏବେ କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କର। ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିହାତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥାଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ନେଚର ନଚରୱାଟା ଥିବ ସେଠି ମାରିଦେବ, ମାନେ ଠିକ୍ ମାରିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ମାରିଦେବ ଏଠି? ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଆଉ ଖାଲି ସେପାରେଟ୍ ବେଶୀ କହିଲା ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ମାନେ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ କହିଛି? ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅସ୍, ଏଟା କିଏ କହିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖିବା କିଏ କହିଥିଲେ, ଆମର ଇଜେ ରସ୍ କହିଥିଲେ, ଲେଖିଦେବ ଏଟା, ଲେଖିଦେବ ଖାତାରେ, ଇଜେ ରସ୍ କହିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ୍ସ ଆର୍ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଡିଆର୍, ସ୍କୁଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଦେଖିବ, କହିଛି ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଲେ ମାରିବ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ କାଳି ଥିବ, ଅଧିକ କାଳି ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ କାଳି ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନି? କ'ଣ ବି ଲାଗିଛି, କାଳି ଆମର, ପଇସା ଆମର, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ଆମେ, ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ? ଅଧିକ କାଳି ମାନେ ମାରିବ, ପଡ଼ିବନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ 90% 90% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ, କିଛି ଡରିବନି ଆମର। ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍କର ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ସେଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ଗିସ୍ବଟ୍ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଗିସ୍ବଟ୍ କହିଥିଲେ। ମାଇଏସେଜ୍ ଭ୍ୟାରିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ଇନବର୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ୱାଇଲ୍ ରୁଚି ବିଲ୍ଡିଂ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ମାୟା ହେରିଡ଼ିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା, ବର୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ହେରିଡ଼ିଟି, ଏପଟେ ରୁଚି ଫୋକସ୍ କରୁଛି ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଉପରେ, ମାନେ ହେରିଡ଼ିଟିକୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମର ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହିଥିଲେ, ତା ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ? ନେଚର ନଚର ଥିବ ତା ଜାଗାରେ କରିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି ନେଚର ନଚର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ମାରିବ? ନେଚରକୁ ନର୍ଚର ମାରିବ। ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଲିଙ୍କ, ଦୁଇଟାକ ଲିଙ୍କ ଥିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ କଥାରେ ତ ଖାଲି ହେରିଡ଼ିଟି କହିଲା ହବନି ତ, ବିହେଭିଅରାଲ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ହେରିଡ଼ିଟି, ବିହେଭିଅରକୁ ହେରିଡ଼ିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ହେରିଡ଼ିଟି କି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକ ଅଛି, ବହୁତ ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ତିନି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ଡ୍ୟାସ୍, ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ, ହେରିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିହାତି ସୋସିଆଲ କି ଇମୋସନାଲ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଫୋକସ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତ ଅଛି, ଦେଖିଦେବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆମେ। ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ଡ୍ୟାସ୍, ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଆମର କଲଚରାଲ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କଲଚରାଲ ତ କେବେ ହେଲେ ହେରିଡ଼ିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବନି, ସୋସିଆଲଟା ହେବ, ଇମୋସନାଲ ଅଛି ନା, ଇମୋସନାଲ ହେରିଡ଼ିଟି ରହିବ, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ ବି ହେରିଡ଼ିଟି ରହିବ, ମାନେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କଲଚରାଲ କେବେ ଆମର ରହିବ କି ହେରିଡ଼ିଟି ସାଙ୍ଗରେ? କଲଚରାଲରେ ବଂଶଗତ ଗୁଣର କାମ କ'ଣ? କାମ ନାହିଁ କିଛି, ଅପସନ୍ ଟୁ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫର୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାସିଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ, ସବୁଠାରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବେଷ୍ଟ ୱେଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବେଷ୍ଟ ୱେଟା ଆମର କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିସେସ୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବା, ଖାଲି ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନିହାତି ଭାବେ କନସିଡ଼ରେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝିବା, ଓପିନିଅନ୍କୁ ପିଲାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଫିଜିକାଲ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କି, ନାହିଁ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ହେରିଡ଼ିଟି ତ ନୁହଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନିହାତି ଭାବେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଏଇଟା କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବୁଝେଇବ, ମାନେ ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି ଆମର ନିହାତି ଭାବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, କେଉଁଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟର୍ନ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲ ଅଫ୍ ହେରିଡ଼ିଟି, ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ହେରିଡ଼ିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ମୋଟିଭେସନ୍ଟା କ'ଣ ହେରିଡ଼ିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ? ମୋଟିଭେସନ୍ ତ ବାହାରୁ ହେଉଛି ନା, ହେରିଡ଼ିଟି ନୁହଁ ତାହେଲେ, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ।
आपेरेन्स इज हेरिडिटी फैक्टर आपेरेन्सटा आम बडी आपेरेन्सटा आखि केमी देखा जीवो हाँ हेरिडिटी रही है निहाती है तेनाली ऑप्शन वन एंड टू राइट आंसर ऑप्शन तीन हूँ आमर राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए और बी इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्वालिटी व्हिच कैन बी कैटेगराइज ऑन द नेचर नेचर की नर्चर की दुटा स्टेटमेंट कहला कौटा नेचर कौटा नर्चर बोली से पचार देखा देखा तो नेचर माने कौन हेरिडिटी नेचर माने हूँ एनवायरनमेंट ए चाइल्ड हाज एक्सलेंट जेनराल नॉलेज माने कौन कला पिलाटार जेनराल नॉलेज अधिक अच्छी जेनराल नॉलेज कौन माँ पेट रू शिखी जाऊँ ना तो बाहर शिखुच ठीक अच्छे कौन नर्चर रहा ए चंपियन वेस्टलर हाज एक्सलेंट फिटनेस फिटनेस तो अच्छे स्टामिना अच्छे मैंने परिवेश शिखी मैंने एनवायरनमेंट दुटा कौन हम कौन नर्चर हम नेचर है नेचर नेचर हूँ आम हेरिडिटी नर्चर है आम एनवायरनमेंट ये दुटा जाक एनवायरनमेंट पर जाऊँच तो नर्चर कर ऑप्शन तीन हम राइट आंसर हम हेरिडिटी इज कन्सीडर्ड एज इट इज हेरिडिटा गोटे को प्रकार सोशल स्ट्रक्चर बोली पचारूँ हेरिडिटा गोटे कौन जन्म रोचे ना तो आम कौन बोली कह डायनेमिक बोली कह कह डायनेमिक बोली कह ऑप्शन टू हूँ तार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर हेरिडिटी को लेकिन कोई फैक्टरटा घटुच्छे हेरिडिटी मैंने कौन वंशानुगुण नहीं घटू थ सोशियाल आक्टिविटी तो केवल वंशानुगुण नुह पियर ग्रुप तो नुह थिंकिंग पैटर्न भी नुह आम आखिर कलरटा यदि बापा आखिर कलर हलदिया थी आम हलदिया हम तक कला है कला हम ऑप्शन वन हम राइट आंसर एनवायरमेंटल फैक्टर दैट सेफ डेवलपमेंट इनक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट माने गोटे नेगेटिव तीन टा पॉजिटिव थी एक्सपेक्ट कही एक्सपेक्ट देखिए टी क्वालिटी तो रही है कल्चर भी रही है एजुकेशन भी रही है कौटा अलग था फिजिक्सटा अलग मैंने ऑप्शन फोर टा हूँ राइट आंसर आशा करुच्छी क्लास टी समस्त निहतर यूजफुल थी समस्त क्लास टी भल लगी तो निहती भाव गोटे गोटे लाइक करेंगे चैनल ना सब्सक्राइब करेंगे पाखे थे बेल आइकन ऑन करेंगे आम सहित यदि सियोर शॉट क्वालिफाई चाहते आज ही चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो डिस्क्रिप्शन थिबा टेलीग्राम ग्रुप लिंक जॉइन रही जातु व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जॉइन हो जातु प्रति नोट्स पीडीएफ सबकि आम सहित जोड़ी रोथ धन्यवाद।